हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग सेल के फोर्थ लेक्चर यानी चौथे लेक्चर के बारे में बात करेंगे, जिसमें से कुछ सेल ऑर्गेनेल्स को आपने स्टडी किया था और कुछ सेल ऑर्गेनेल्स अभी बची हुई हैं, उनकी स्टडी करना है और उनका फंक्शन क्या है ये भी स्टडी करना है कि सेल में उनका कार्य क्या होता है। और वो सेल ऑर्गेनेल्स मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होती हैं, यानी मेम्ब्रेन उसमें पाई जाती है या मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, इस बेसिस पर हम लोग उसकी स्टडी करेंगे। और ये सेल ऑर्गेनेल्स यानी ये कोशिकांग है क्या प्लांट सेल में यानी वनस्पत कोशिका में और एनिमल सेल यानी जंतु कोशिका में या प्राणी कोशिका में पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते, इसकी भी स्टडी करेंगे। उससे पहले आप लोग याद रखेंगे और कलम और कॉपी लेकर तैयार रहेंगे नोट करने के लिए जो इम्पोर्टेंट। देखिए, हम लोग एक सेल ऑर्गेनेल्स को स्टार्ट करेंगे। वो सेल ऑर्गेनेल्स है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम इसको हम लोग देखते हैं कि ये सेंट्रोसोम है क्या। सेंट्रोसोम तो ये जनरली पाया जाता है एनिमल सेल में, प्रेजेंट इन एनिमल सेल, एंड नॉट फाउंड इन प्लांट सेल, या प्लांट सेल में नहीं होता लेकिन एनिमल सेल में पाया जाता है ये सेल ऑर्गेनेल्स। और ये सेल ऑर्गेनेल्स कैसी होती है? नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। यानी ये मेम्ब्रेन से घिरी हुई घिरा हुआ कोशिकांग नहीं होता, इसीलिए इसको नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स कहते हैं। और ये कहां पर प्रेजेंट होता है? क्लोज टू न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के करीब इन साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस के करीब ये प्रेजेंट होता है। अब देखते हैं कि यहां हमने बताया कि ये प्लांट सेल में नहीं पाई जाती, बट सब एक्सेप्शंस भी है। कुछ प्लांट सेल्स में एक्सेप्शन के लिए ये कुछ प्लांट सेल में पाई जाती है। वो कौन सी प्लांट सेल होती है? मोटाइल प्लांट सेल का मतलब होता है ऐसी सेल जिनमें गति होती है, यानी एक जगह से दूसरी जगह जो सेल मूव करती है उसी को मोटाइल प्लांट सेल कहते हैं। जैसे वो मोटाइल प्लांट सेल होंगी क्या? जैसे मोटाइल एल्गी होगी। आपको एग्जांपल के लिए देते हैं मोटाइल एल्गी में होगी। इसके अलावा देखिएगा जो स्पोर ऑफ एल्गी में होगी। इसके अलावा देखिएगा एंथ्रोजोइट्स ऑफ ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट। ये आपको बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपके जो एंथ्रोजोइट्स होते हैं ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट प्लांट के, ये एंथ्रोजोइट टेरिडोफाइट और ब्रायोफाइट के ये आपकी सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है। अब अगर देखा जाए तो सेंट्रोसोम जनरली होता कैसे है? देखते हैं कि ये एक सिलेंड्रिकल बॉडी होती है। सिलेंड्रिकल बॉडी का मतलब होता है जैसे एक सिलेंडर शेप बॉडी होती है। अब सिलेंडर शेप बॉडी के बारे में हम लोग जरा स्टडी करते हैं। उस सिलेंडर शेप बॉडी को हम लोग कहते क्या है या देखते हैं। यह सिलेंडर टाइप का होता है और ये सिलेंडर जो होता है दोनों साइड में ओपन होता है। इसमें होता क्या है, छोटे छोटे माइक्रोट्यूब्यूल्स 3-3 के ग्रुप में अरेंज होते हैं। इस तरीके से ये माइक्रोट्यूब्यूल अरेंज होंगे
ऐसे माइक्रो ट्यूब्यूल अरेंज होंगे, इस तरीके से छोटे छोटे माइक्रो ट्यूब्यूल, और इनको तीन तीन के ग्रुप में अरेंज होंगे, तो इनको इन ग्रुप को हम लोग कहेंगे ट्रिपलेट। ट्रिपलेट ट्रिपलेट के और ऐसे ये रिंग टाइप का स्ट्रक्चर आपको दिखाते हैं। रिंग टाइप के स्ट्रक्चर में देखेंगे, अगर रिंग टाइप का हो यानी ये हॉलो सिलेंडर जो है दोनों साइड में ओपन है लाइक दिस, ये इस तरह से होगा, और अगर ये ओपन हो तो ये देखेंगे कि एक सर्कुलर एरिया होगा, इधर भी एक सर्कुलर एरिया होगा यानी वृत्ताकार एरिया होगा, क्षेत्र होगा। तो इस पर होगा क्या, इस तरीके से छोटे छोटे तीन तीन के ग्रुप में माइक्रो ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होंगे, ये माइक्रो ट्यूब्यूल्स है लाइक दिस, थ्री थ्री के ग्रुप, इन्हीं को हम लोग ट्रिपलेट कहें। ऐसे 1 2 3 4 5 यहाँ देख ले 6, ये हो गया 7 आपका, ये 8, और इस तरह से हो जाएगा 9। ऐसे तो ये 9 ट्रिपलेट प्रेजेंट होंगे, इनको हम लोग ट्रिपलेट कहते हैं, दीज आर कॉल्ड एज द ट्रिपलेट, इसको इस ग्रुप को हम लोग कहेंगे ट्रिपलेट। ट्रिपलेट ये ट्रिपलेट नंबर ऑफ ट्रिपलेट कितनी होगी, 9 होगी, और ये नंबर ऑफ माइक्रो ट्यूब्यूल कितने होंगे, एक ट्रिपलेट में 3 ट्यूब्यूल, तो टोटल ट्रिपलेट, टोटल ट्रिपलेट, टोटल ट्रिपलेट जो होंगे वो 9 होंगे। ये देखिए ये ट्यूब्यूल्स है, इनको ये पतली पतली ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ये पूरे ट्यूब्यूल्स दूसरे एंड तक फैले होते हैं लाइक दिस, इस तरह से ऐसे फैले होंगे, यहां से ये ट्यूब्यूल्स निकली होंगी थ्री थ्री के फॉर्म में, यहां से भी ऐसी होंगी, ये थ्री थ्री ट्रिपलेट के फॉर्म में, तो टोटल ट्रिपलेट जो होगी 9 × 3 दैट इज इक्वल टू हो जाएगा, ये माइक्रो ट्यूब्यूल्स जो होगी 27 होगी, तो टोटल ट्रिपलेट होगी 9 ट्रिपलेट हो गई। अब टोटल और माइक्रो ट्यूब्यूल कहेंगे, टोटल माइक्रो ट्यूब्यूल, माइक्रो ट्यूब्यूल एक ट्रिपलेट में 3 ट्यूब्यूल, इसलिए 9 × 3 दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 27 ट्यूब्यूल, ये ट्यूब्यूल प्रेजेंट होंगी, इन्हीं को हम लोग माइक्रो ट्यूब्यूल कहेंगे, माइक्रो ट्यूब्यूल, ये माइक्रो ट्यूब्यूल प्रेजेंट होंगे। लेकिन इस सेंटर एरिया में, इस एरिया में, इसके सेंटर में कोई ट्यूब्यूल प्रेजेंट नहीं होगी, सेंटर एरिया में कोई ट्यूब्यूल प्रेजेंट नहीं होगी, इसलिए ऐसे ट्यूब्यूल, इसको हम लोग कहेंगे क्या, हब कहेंगे, एच यू बी हब। हब इसलिए कहते हैं कि ये सेंटर एरिया मिडिल एरिया है, इस एरिया को हम लोग हब कहते हैं। अब देखते हैं कि सेल के अंदर लाइक दिस, मान लीजिए ये सेल है, तो सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उस न्यूक्लियस के नियर अबाउट ये 2 सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं, और एक इस तरीके से लाइक दिस, एक सेंट्रियोल ये हो गया और दूसरा सेंट्रियोल ये होगा, ये दोनों सेंट्रियोल क्या होते हैं, राइट एंगल होते हैं, राइट एंगल इस तरीके से होंगे, ये राइट एंगल होंगे, और ये पूरे स्ट्रक्चर को लेकर के, इस पूरे स्ट्रक्चर को लेकर के हम लोग क्या कहेंगे, सेंट्रोसोम कहेंगे, और इन दोनों सेंट्रियोल्स को, इसे हम लोग कहते हैं सेंट्रियोल, सेंट्रियोल, इस सेंट्रियोल 2 सेंट्रियोल है, इसलिए 2 सेंट्रियोल को हम लोग कहेंगे डिप्लोसोम, इस 2 सेंट्रियोल को, नंबर 2 सेंट्रियोल के ग्रुप को हम लोग कहेंगे डिप्लोसोम, डिप्लोसोम कहेंगे, ये डिप्लोसोम हो गया। अब इस तरीके से डिप्लोसोम और ये साइटोप्लाज्मिक एरिया को लेकर के हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम की डिफिनीशन भी अब हम लोग बना सकते हैं, वो बनाएंगे क्या, डिप्लोसोम, डिप्लोसोम एंड काइनोप्लाज्म, काइनोप्लाज्म इज कलेक्टिवली कॉल्ड, कलेक्टिवली कॉल्ड सेंट्रोसोम,
कलेक्टिवली कॉल्ड सेंट्रोसोम। इसका मतलब क्या हुआ? डिप्लोसोम तो ये हुआ, ये डिप्लोसोम है, ये जो दो सेंट्रियोल है इन्हीं को डिप्लोसोम कहा जाता है। और ये जो आउटर एरिया है, जिस एरिया में साइटोप्लाज्म की जिस एरिया में ये सेंट्रोसोम पाए जाते हैं, उस एरिया को हम लोग काइनोप्लाज्म कहते हैं। इसको एक नाम से और जानते हैं काइनोप्लाज्म को। देखिए काइनोप्लाज्म को का अनदर नेम क्या है वो भी बनाते हैं। इसको काइनोप्लाज्म कहते हैं, काइनोप्लाज्म को एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, उस नाम को हम लोग कहते हैं सेंट्रोस्फियर, सेंट्रोस्फियर भी कहा जाता है। और एक नेम इसको और दिया गया सेंट्रोस्फियर के एक्सेप्ट, दैट इज कॉल्ड एज साइटोसेंट्रम। ऐसे साइटोसेंट्रम्स के नाम से भी जानते हैं साइटोसेंट्रम। और साइटोसेंट्रम अब इस तरीके से हम लोग काइनोप्लाज्म या साइटोसेंट्रम को कहेंगे क्या? साइटोसेंट्रम की अगर डिफिनीशन लिखें तो वो डिफिनीशन क्या होगी देखिएगा। साइटोसेंट्रम इसकी डिफिनीशन क्या होगी? ऑर्गेनेली लेस साइटोप्लाज्म, ऑर्गेनेली लेस साइटोप्लाज्म, वेयर सेंट्रियोल्स प्रेजेंट इज कॉल्ड साइटोसेंट्रम। अब हम लोग देखते हैं कि साइटोप्लाज्म का ऑर्गेनेली विहीन वह भाग जहां कोई भी ऑर्गेनेली प्रेजेंट ना हो, बल्कि कौन सा प्रेजेंट हो, सिर्फ सेंट्रियोल प्रेजेंट हो, उसी पार्ट को, उसी साइटोप्लाज्म को हम लोग साइटोसेंट्रम या काइनोप्लाज्म या सेंट्रोस्फीयर के नाम से हम लोग जानते हैं। ये प्रेजेंट होता है। अब देखते हैं इसका वर्क क्या होता है, इसका फंक्शन क्या है। यहाँ अगर देखेंगे तो फ्लैजिला के कंडीशन में 9+2 पैटर्न होता माइक्रोट्यूब्यूल का, लेकिन यहाँ पर किसका? सिर्फ 9+0 पैटर्न होता है सेंट्रियोल का। अब देखते हैं हम लोग इसका फंक्शन क्या है, यानी सेंट्रोसोम का फंक्शन क्या है। सेल डिवीजन के टाइम जब कोशिकाएं विभाजित होकर एक से अधिक कोशिकाएं बनाती हैं, तो उस समय यानी एट दैट टाइम यानी उस समय ये करता क्या है, क्रोमोसोम को डिवाइड करने का वर्क करता है। सबसे पहले जो डिप्लोसोम होता है वो दो यूनिट में डिवाइड हो जाता है। जैसे सपोज करिए, मान लीजिए ये सेल है और ये सेल के अंदर सबसे पहले इसके अंदर डुप्लीकेशन पावर होता है, यानी ये एक से दो सेंट्रियोल्स बनाता है। तो ये करेगा क्या, सबसे पहले यहाँ एक सेंट्रियोल्स बन जाएगी इस तरीके से, दूसरी यहाँ बनेगी, इसका डुप्लीकेशन हो जाएगा। और यहाँ क्या होगा, सबसे पहले जो आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसअपीयर हो जाएगी सेल डिवीजन के बाद, यानी डिसअपीयर होने का मतलब वो खत्म हो जाएगी, टूट जाएगी। जब वो टूट जाएगी तो यहाँ प्रेजेंट क्या होगा, क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा। जब क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा लाइक दिस, इस तरीके से क्रोमोसोम, मान लीजिए ये प्रेजेंट है, ये सपोज करिए ये क्रोमोसोम है, तो ये क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे। ऐसी कंडीशन में यहाँ से सेंट्रियोल से, ये सेंट्रियोल है आपका सेंट्रियोल्स, यहाँ से दो छोटे छोटे धागे जैसी संरचनाएं निकलती है, पतली छोटी सी संरचनाएं निकलेंगी धागे जैसी, इनको हम लोग क्या कहेंगे, इन धागे जैसी संरचनाओं को हम लोग देखें क्या कहेंगे। और एक बड़े धागे जैसी संरचनाएं निकलेंगी, इस छोटे धागे जैसी संरचनाओं को एस्ट्रे कहते हैं, एस्ट्रे ASTRAY एस्ट्रे, इसको एस्ट्रे कहेंगे। लेकिन यहाँ से जो बड़ी धागे जैसी संरचनाएं निकलेंगी इस तरीके से,
जो आकर के इससे बांधी होंगी या इससे निकल करके बहुत से क्रोमोसोम से बांधी होंगी, लंबी लंबी थ्रेड लाइक की संरचनाएं होंगी, इन संरचनाओं को हम लोग क्या कहेंगे? इन संरचनाओं को कहते हैं स्पंडिल, स्पंडिल फाइबर। ये स्पंडिल फाइबर क्या करेंगे? इन स्पंडिल फाइबर का काम होगा जब सेल डिवीजन होगा तो यहां से होगा क्या, ये क्रोमोसोम को क्या करेंगे, दो पार्टों में डिवाइड कर देंगे, यानी इनमें क्या होगा, इनकी लेंथ जो होगी डिक्रीज करेगी, यानी ये कंट्रैक्ट करेंगे, स्पंडिल फाइबर कंट्रैक्ट करेंगे। जब कंट्रैक्ट करेंगे तो इनके कंट्रैक्शन से इस पर प्रेशर पड़ेगा और प्रेशर पड़ने से ये जो होंगे क्रोमोसोम पार्ट जो होंगे वो सेपरेट हो जाएंगे, यानी इस तरीके से दोनों क्रोमोसोम पार्ट अलग हो जाएंगे। ऐसा इधर क्रोमोसोम पार्ट अलग हो गया, दूसरा क्रोमोसोम पार्ट अलग हो गया, और जब क्रोमोसोम पार्ट अलग हो जाएगा तो इनके बिटवीन एक वॉल बन जाएगी जिससे टू आर मोर देन टू सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसका मतलब जो होता है सेंट्रोसोम के अंदर पाया जाने वाला सेंट्रियोल से होता है क्रोमोसोम को दो पार्टों में डिवाइड करने का काम करता है, यानी उसे डिवाइड करता है जिससे न्यू सेल का फॉर्मेशन होता है। तो इसका ये फंक्शन होता है सेंट्रोसोम का। अब हम लोग चलते हैं एक दूसरी ऑर्गेनेली के ऊपर डिस्कस करते हैं। हमने आपको बताया कि ये ऑर्गेनेली जो होती है सिर्फ एनिमल सेल में पाई जाती है, लेकिन एक्सेप्शन के लिए कुछ प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होती है। वो प्लांट सेल हमने आपको बताया मोटाइल प्लांट सेल, जैसे मोटाइल एल्गी या जूस्पोर ऑफ एल्गी, इस तरीके से अनदर सेल ऑर्गेनेली देखते हैं जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है वो है लाइसोसोम। देखिए लाइसोसोम ये होती क्या है, ये सेल है, सेल के अंदर जो फूड मटेरियल आते हैं उन फूड मटेरियल को डाइजेस्ट करने के लिए, यानी फूड के पार्ट को फूड को डाइजेस्ट करने के लिए पचाने के लिए इनमें एक एंजाइम्स भरे रहते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स भरे रहते हैं, यानी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भरे रहते हैं, यानी ऐसी सेल ऑर्गेनेली जिसमें डाइजेस्टिव हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, लाइसोसोम कहते हैं। तो ये कैसी होती है, मेम्ब्रेन बाउंड स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेली होती है, मेम्ब्रेन बाउंड स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेली मेम्ब्रेन बाउंड स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेली है। फिर देखते हैं इस लाइसोसोम को डिस्कवर किसने किया था, इसकी डिस्कवरी जो की थी, डिस्कवर किया था एक साइंटिस्ट जिनका नाम था डी डुबे साइंटिस्ट ने इसकी डिस्कवरी की थी, लेकिन इसका नाम जो दिया था टर्म लाइसोसोम जो दिया था टर्म प्वाइंट बाई नाविकॉफ, एक नाविकॉफ साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस टर्म को प्रोवाइड किया था, लाइसोसोम टर्म को दिया था। अब देखते हैं हमने आपको बताया कि इस सेल ऑर्गेनेली का काम ही है कि डाइजेस्टिव एंजाइम रखना, इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। इस सेल ऑर्गेनेली को डिफरेंट नेम से जाना जाता है, इसके बहुत सारे कॉमन नेम्स भी हैं। वो कॉमन नेम कौन कौन से हैं? कॉमन नेम जैसे हम लोगों के भी कॉमन नेम होते हैं, जैसे डब्लू बब्लू पिंटू, इस तरीके के कॉमन नेम्स, इनमें भी कॉमन नेम्स होते हैं लाइसोसोम्स में भी। ये कॉमन नेम्स क्या हैं? एक तो इसे कहा जाता है सुसाइड बैग भी कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि जब ये फूड मटेरियल का डाइजेशन करती है ये खुद ब खुद डाइजेस्टिव एंजाइम को डाइजेस्ट करने में यूज करके खुद ब खुद नष्ट हो जाती है, यानी खत्म हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, खुद मर जाती है। इसके अलावा इसके इसे स्कैवेंजर ऑफ सेल भी कहते हैं,
इसका दूसरा नेम होगा एस्कैवेंजर, एस्कैवेंजर ऑफ सेल भी कहा जाता। क्यों कहते हैं एस्कैवेंजर ऑफ सेल, यानी सेल का सफाई कर्मी भी कहा जाता है। क्यों इसे सफाई कर्मी कहते हैं, क्योंकि जो सेल के अंदर डेड ऑर्गन डेड पार्ट्स होते हैं उनको क्या करता है, ये नष्ट कर देता है, यानी उसको खत्म कर देता है, अपना फूड मटेरियल बना करके उसे सेल से बाहर भी कर देता है, इसलिए इसको स्कैवेंजर ऑफ सेल भी कहा जाता है। दूसरे इसे एक नेम से और भी जानते हैं, इसे कहते हैं एटम बम ऑफ सेल, एटम बम्स ऑफ सेल। इसलिए ऐसा कहा जाता है एटम बम्स ऑफ सेल, क्योंकि ये सेल के अंदर जब डाइजेशन कर लेती है फूड का तो वो खुद ब खुद डिस्ट्रॉय भी हो जाती है, इसलिए इसे हम लोग एटम बम ऑफ सेल भी कहते हैं। इसके अलावा डिस्पोजल भी कहा जाता है, डिस्पोजल ऑफ सेल भी कहा जाता है, ऐसे डिस्पोजल ऑफ सेल भी कहा जाता है, डिस्पोजल ऑफ सेल भी कहते हैं, यानी ये भी कॉमन नेम हो गया। एक कॉमन नेम और होता है रिसाइकलिंग ऑफ सेल भी कहा जाता है, रिसाइकलिंग, रिसाइकलिंग ऑफ सेल, सेल की रिसाइकलिंग करती है। रिसाइकलिंग का मतलब होता है जब हम लोग काफी देर तक फास्टिंग स्टेज में रहते हैं, यानी खाना नहीं मिलता, या अनफेवरेबल कंडीशन में रहते हैं, या फास्टिंग में रहते हैं, व्रत में रहते हैं, या रोजे में रहते हैं, तो उस वक्त सेल के अंदर जो स्टोर फूड होता है उनसे एनर्जी ये प्रोवाइड करने का काम करती है, उसका डाइजेशन करके एनर्जी प्रोवाइड करती है, या जो डेड मटेरियल होते हैं उनसे भी उन्हें डाइजेस्ट करके रिसाइकलिंग करती है, यानी एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करती है। तो इसके ये कॉमन नेम भी हो गए, इनके कौन कौन से कॉमन नेम है उस बेसिस पर इनको हम जानते हैं। अब देखिएगा, इसके अलावा इनके अंदर जो एंजाइम्स भरे होते हैं, इट कंटेन्स 50% एसिड हाइड्रोलेज। एसिड हाइड्रोलेज का मतलब ऐसे एंजाइम प्रोटीन और राइबोन्यूक्लिक एसिड और इन सभी फूड मटेरियल्स के डाइजेशन के लिए प्रेजेंट होते हैं, जो एसिडिक कंडीशन में ही वर्क करते हैं। तो 50% एंजाइम्स जो होते हैं कंटेन्स 50% ऐसे एसिड हाइड्रोलेज एंजाइम रखती है, एसिड हाइड्रोलेज एंजाइम। इसके अलावा कुछ एंजाइम्स और भी होते हैं जिनको हम लोग मार्कर ऑफ लाइसोसोम्स एंजाइम कहते हैं, मार्कर एंजाइम ऑफ लाइसोसोम। ये क्या कर, ये होते हैं एसिड फास्फेटेज एंजाइम होते हैं। लाइसोसोम की ओरिजिन कहां से होती है, ओरिजिनेट फ्रॉम द गॉल्जी बॉडी से ये ओरिजिनेट होती है, यानी गॉल्जी बॉडी इन्हें बनाने का काम करती है, लाइसोसोम्स को बनाने का काम करती है। और गॉल्जी बॉडी के किस पार्ट से बनते हैं, ट्रांस फेस से बनते हैं। गॉल्जी बॉडी का जो ट्रांस फेस होता है उसी से इनका इनकी ओरिजिन होती है, यानी इनका फॉर्मेशन होता है। इसके अलावा देखते हैं हम लोग, अब ये तो एंजाइम्स हो गए, इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर और होता है, ये डिफरेंट स्टेजेस में डिफरेंट फॉर्म में पाई जाती है, इसलिए ये पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनेलीज भी होती है। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि विच ऑर्गेनेलीज इज कॉल्ड एज पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनेलीज, तो लाइसोसोम इज ए पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनेलीज, लाइसोसोम इज ए पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनेली
क्योंकि ये डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में पाई जाती है। जैसे आपको बताएं वो डिफरेंट फॉर्म्स क्या हैं। सचेज पहला फॉर्म है प्राइमरी लाइसोसोम्स, प्राइमरी लाइसोसोम्स, प्राइमरी लाइसोसोम। ये प्राइमरी लाइसोसोम क्या है, इनमें इनएक्टिव कंडीशन में एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, कंटेन इनएक्टिव इनएक्टिव एंजाइम। जब इनएक्टिव एंजाइम प्रेजेंट होता है तो उसी को हम लोग प्राइमरी लाइसोसोम्स कहते हैं। दूसरा होता है सेकेंडरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम, इसको हम लोग कहते हैं डाइजेस्टिव लाइसोसोम भी कहते हैं, डाइजेस्टिव लाइसोसोम। डाइजेस्टिव लाइसोसोम क्या है, इसमें डाइजेस्टिव फूड मटेरियल होता है, डाइजेस्टिव फूड मटेरियल। तीसरा होता है टर्शियरी, टर्शियरी लाइसोसोम, इसमें क्या होता है, इसमें अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल होता, अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल, यानी अपचित भोजन होता है। अगला होता है ऑटोफेजी, ऑटोफेजिक। ऑटोफेजिक क्या कहते हैं, जो डेड बॉडीज पाई जाती हैं या डिस्ट्रॉयड बॉडीज पाई जाती हैं, उनके चारों तरफ प्राइमरी लाइसोसोम्स जब इकट्ठा हो जाते हैं और इकट्ठा होकर के एक वेजाइकिल बना लेते हैं, उसी को हम लोग ऑटोफेजिक लाइसोसोम्स कहते हैं। तो ये चार डिफरेंट फॉर्म में पाई जाने की वजह से ये पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनेल्स भी कही जाती हैं। बस आज का लेक्चर यही था। फिर